Next question. It says a force F is equal to V cross A is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where V is the velocity of the particle and A is a constant force in the horizontal direction. Sawal hai, with what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity. Now, achha sawal hai, concepts yahan pe is sawal se achhe clear honge apne ko. So, aapka jo particle hai, us particle ke upar do forces lag rahe hain. Ek force to aapka mg hai, alright? Iski direction aapki minus j cap hoegi. Dusra ek force lag raha hai, F is equal to V cross A is format ka. So now net force jo hoga, iski bhi direction yahan banate hain, jo aapka F net hoega, that will be equal to mg minus j cap plus V cross A. Alright? Ab hum ye chahte hain ki ye particle aapka undeflected jaye, iska matlab hai ki F net should be equal to 0. Iska matlab ye hai ki agar इसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप है तो v क्रॉस a की डायरेक्शन प्लस जे कैप होनी होगी और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू mg के बराबर होएगा. राइट, नाउ इस केस में पहले देखते हैं कि आपका j डायरेक्शन में v क्रॉस a होने का मतलब क्या है. नाउ a वेक्टर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. नाउ स्टूडेंट यहां पे जो गलती करते हैं वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वाली है. नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये सारी डायरेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल है. राइट, तो पार्टिकल में अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा हूं, गन चला, अगर गन से मैं शूट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बुलेट जाएगी तो ऐसे 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 मैं किसी भी डायरेक्शन में उसको शूट कर सकता हूं. सो ये पूरी डायरेक्शन जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी. v क्रॉस j जो है, अगर इसमें हम अब राइट हैंड अपना थंब रूल अगर अप्लाई करें तो ये फर्स्ट वेक्टर, ये आपका सेकंड वेक्टर और ये आपका थर्ड वेक्टर आएगा. तो थर्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपकी j कैप है ऊपर की तरफ, और ये जो है a, ये आपका हॉरिजॉन्टल है. तो मान लो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये ले रहे हैं तो v आपकी आगे की तरफ इस डायरेक्शन में हो गया, और ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये आपका v है, ये आपका a है, और ये आपका फाइनल v क्रॉस है आएगा ये. तो ये आपकी u वेलोसिटी जो है ये इधर कहीं पे भी हो सकती है. राइट, इसका मतलब ये है कि v की अगर डायरेक्शन की बात करें, सो ये जो v है इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए, सो दिस विल बी आपका ऑलराइट, ये जो है आपका ये कहलाएगा, अगर ये y डायरेक्शन है तो ये प्लेन कहलाएगा आपका xz डायरेक्शन. ठीक है, सो v की डायरेक्शन जो होगी xz प्लेन में कहीं पे भी हो सकती है. राइट, और a आपका हो गया तो उस वजह से आपका j वेक्टर जो है वो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा एंड दे विल कैंसिल ईच अदर. नाउ अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, बिकॉज यहां पे स्पीड पूछा है वेलोसिटी नहीं, हमने उसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन काइंड ऑफ उसकी बात कर ली. सो यहां पे अगर v क्रॉस a की बात करें तो v क्रॉस a का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू mg. v क्रॉस a को आप लिख सकते हैं va sin थीटा विल बी इक्वल टू mg, और ये अपने v की वैल्यू हो गई mg डिवाइडेड बाय a sin थीटा. राइट, सो नाउ इस केस में अगर हम बात करें v की मिनिमम वैल्यू बतानी है, सो v मिनिमम के लिए आपका sin थीटा मैक्सिमम होना होगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. सो व्हिच इंप्लाइज v मिनिमम जो आया आपका वो हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय a. सो ये आपकी मिनिमम स्पीड हो जाएगी. ठीक है, सो mg बाय a वुड बी आवर फाइनल आंसर.